Hello everyone, welcome to the class number 13 of the chapter Java Programming Fundamentals। तो लास्ट क्लास में हमने इफ स्टेटमेंट और इफ हेल्थ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उसको प्रैक्टिकली करके देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट को हम हमारे जावा प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अलाउ करता है एक वेरिएबल को, मतलब सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है, ओके, जिस वेरिएबल में वैल्यू यूजर को आपने इनपुट करने की परमिशन दी है। तो वहां पे क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट में हम जो वेरिएबल को लेते हैं स्विच स्टेटमेंट में, वहां पे एक लिस्ट ऑफ वैल्यू हम खुद प्रोवाइड करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर और यूजर को अलाउ करते हैं वैल्यू देने के लिए। फिर जिस जहां पे वैल्यू मैच होता है यूजर का, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, ए स्विच स्टेटमेंट अलाउज ए वेरिएबल to be tested for equality against a list of value। तो switch statement में हम क्या करते हैं, एक particular value लेते हैं, यहाँ पे हम एक particular variable लेते हैं और उस variable का कुछ values हम लेते हैं, okay, list of values लेते हैं और user को हम allow करते हैं value input करने के लिए execution के वक्त। तो user जो value input करता है उस value को हम list of value के साथ match करते हैं। जिस value के साथ match करता है user का value, उस वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करता है हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त। ओके, तो हर एक वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट में हम हर एक वैल्यू को बोलते हैं केस। ओके, एंड द वेरिएबल यूज्ड ऑन स्विच इज चेक फॉर ईच केस। हमने जो वेरिएबल लिया है स्विच में, उस वेरिएबल का वैल्यू जो है उसका कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू हम खुद से लेते हैं और उन्हीं हर एक लिस्ट ऑफ वैल्यू को हम बोलते हैं केस और हर एक केस के साथ हम उस वेरिएबल के वैल्यू को मैच करते हैं जो वैल्यू उस वेरिएबल में यूजर रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में इनपुट करता है। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो, सिंटेक्स देखोगे तो ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा। हमने एक वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्विच स्टेटमेंट के अंदर और वहां पे उसी वेरिएबल का हमने मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे दिया है। ओके, तो यूजर को फिर हम अलाउ करते हैं उस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो वेरिएबल में यूजर जो रन टाइम में वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम लाके फिर मैच करेंगे हर एक वैल्यू के साथ। हर एक वैल्यू के साथ जब हम मैच करेंगे तो जिस वैल्यू के साथ मैच करेगा उस वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, स्विच उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल को लेकर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और जो लिस्ट ऑफ वैल्यू हम देते हैं केस के फॉर्म में देते हैं। ओके, फर्स्ट वैल्यू को हमने दिया केस के फॉर्म में और एक वैल्यू को हमने फिर से दिया केस के फॉर्म में और यहाँ पे हम जो वैल्यू देते हैं ये वैल्यू का डाटा टाइप जो है ये सेम होना चाहिए वेरिएबल के डाटा टाइप के साथ। Okay, the data type of the variable must be same as the data type of the value what we have given in our switch case statement। Switch case statement में हमने जो list of value दिया है वो list of values का data type हमारे जो variable हमने switch statement के अंदर लिया है उस variable के data type के साथ same होना चाहिए। ओके, तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू का मैच करेंगे उस केस वैल्यू के साथ, लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ। जहां पे वो मैच करेगा, जिस वैल्यू के साथ वो मैच करेगा उसी वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वो जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, समझ आ गया, सिंटेक्स आपने देख लिया यहाँ पे। तो देयर आर सम फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द स्विच स्टेटमेंट। जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करके स्विच स्टेटमेंट को हम यूज करना पड़ेगा हमें। The variable used in a switch statement can only be integers, byte, sort, char, strings and enums। जो वेरिएबल हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करते हैं या फिर यूज करते हैं उसका डाटा टाइप इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा डाटा टाइप का अगर होगा तो उसको हम उस तरह के वेरिएबल को हम यूज नहीं कर सकते हमारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर। ओके, मतलब ज्यादातर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज करके हम कोई वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। ये है सिंपल वर्ड। ओके, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स विद इन ए स्विच। जैसे कि हमने बोला कि जो वेरिएबल को हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू हम पहले से खुद ही डिफाइन करते हैं और फिर यूजर को अलाउ करते हैं कि वो वैल्यू इनपुट करे। जो वैल्यू हमारे लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ मैच करेगा उस वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वैल्यू को हम बोलते हैं क्या स्विच स्टेटमेंट में, केस। ओके, तो वही लिखा है we can have any number of case statement within a switch. एक switch statement के अंदर हम जितना बार चाहें उतना बार case statement को add कर सकते हैं, मतलब हम हमारे list में जितना value चाहें उतना value add कर सकते हैं. Each case is followed by the value to be compared to and a colon. हर एक case में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि हम इसको पहले clear कर देते हैं. ओके तो यहाँ पे कोई भी एक केस स्टेटमेंट को देखते हैं. यहाँ पे क्या है, पहले केस को फॉलो किया है कौन, वैल्यू, जो लिस्ट ऑफ वैल्यू हम देना चाहते हैं वैल्यू, और उसके बाद है एक कॉलन. यह है इसका सिंटेक्स. हर वक्त ऐसा रहना चाहिए जब भी आप केस में कोई भी वैल्यू को डिफाइन करते हो. तो वही बोला है, ईच केस इज फॉलोड बाय द वैल्यू. केस के बाद पहले क्या होगा, पहले अगर केस लिखा है उसके बाद जो भी वैल्यू आपको देना है वो वैल्यू रहेगा, और उसके बाद रहेगा आपका कॉलन, जिस वैल्यू के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं वो वैल्यू रहेगा, और उसके बाद रहेगा कॉलन. ओके, द वैल्यू फॉर ए केस मस्ट बी द सेम डाटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच एंड इट मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट और ए लिटरल. जैसे कि मैंने बोला कि हम जो लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं केस स्टेटमेंट यूज करके, उस वैल्यू का डाटा टाइप जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल के डाटा टाइप के साथ सेम होना चाहिए. वही बोला है, द वैल्यू फॉर ए केस में हम जो वैल्यू देते हैं उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए वेरिएबल के डाटा टाइप के साथ, और हम जो वैल्यू वहां पे देते हैं वो वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए या फिर लिटरल वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि जो वैल्यू रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज ना हो, उस तरह का वैल्यू वहां पे हम दे सकते हैं. कहाँ पे, केस में. ओके, यहाँ पे आप जो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना, केस वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए या फिर लिटरल वैल्यू होना चाहिए, मतलब जिस तरह का वैल्यू रन टाइम में चेंज ना हो सके उस तरह का वैल्यू हम वहाँ पे दे सकते हैं. ओके, उसके बाद हम जो वेरिएबल वहां पे स्विच स्टेटमेंट में लिए हैं वो वेरिएबल में हम अलाउ करेंगे यूजर को वैल्यू इनपुट करने के लिए, तो वहां पे यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू केस, तो वहां पे यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को मैच करेंगे हमारे केस स्टेटमेंट के वैल्यूज के साथ, मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ. तो अगर वैल्यू इक्वल होता है कोई भी केस के साथ, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो वही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. कब तक, अनटिल ए ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट है, अगर ये वैल्यू के साथ मैच होता है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हम देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट को वहीं पे ब्रेक कर देगा, और उसके आगे जो है उसको वो और रीड नहीं करेगा. तो जब तक वैल्यू मैच नहीं होता वो तब तक क्या करते करते जाएगा, लिस्ट में जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज के साथ वो मैच करते करते जाएगा जब तक वैल्यू मैच नहीं होता. जहां पे वैल्यू मैच हो गया उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक वो एग्जीक्यूशन चलाता रहेगा. ओके, जब ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज किया है उसको वो और एग्जीक्यूट नहीं करेगा. और अगर ऐसा कोई केस आता है कि कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ हमारा यूजर का वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट को. डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं कि हमने जो लिस्ट ऑफ वैल्यू दिया है केस स्टेटमेंट यूज करके, अगर कोई भी वैल्यू के साथ यूजर का वैल्यू अगर मैच नहीं करता तो तब हम जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट को. ओके, समझ आ गया. When a break statement is reached, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आता तब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा तो स्विच टर्मिनेट्स. स्विच स्टेटमेंट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, और उसका फ्लो कंट्रोल जो है, मतलब जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो उसका कंट्रोल चल रहा था, एग्जीक्यूशन चल रहा था, जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा वहीं पे ब्रेक होके, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर बाकी और भी स्टेटमेंट हैं उनको वो और एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्रेक स्टेटमेंट के बाद, और सीधा जंप करके स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, और स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो नेक्स्ट लाइन है उसको वो क्या करेगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, Not every case needs to contain a break. हर एक केस में, मतलब हर एक लिस्ट ऑफ वैल्यू में ब्रेक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं तो हमारा टाइम सेविंग ज्यादा होता है और ज्यादा बेटर भी होता है, तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना चाहिए. इफ नो ब्रेक अपीयर्स, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिए हैं तो जब तक उसके पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आता वो क्या करेगा, तब तक स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसको उसका वैल्यू मैच होने के बाद भी वो बाकी सारे केसेस के वैल्यूज को भी क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूशन करता रहेगा. ओके, तो इसीलिए हर एक के स्टेटमेंट के अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जहां पे जिस वैल्यू के साथ मैच करेगा उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसके नीचे होगा ब्रेक स्टेटमेंट, तो वहीं पे हमारा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो नेक्स्ट लाइन है वो फिर वहां पे जंप करके उसको एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। ओके, A switch statement can have an optional default case, जैसे कि हमने दिखाया कि switch statement में हम जो case statement यूज करके list of value देते हैं, अगर कोई भी list of value के साथ हमारा user का input किया हुआ value match नहीं करता तो वहां पे हम यूज करते हैं default case को, और वहां पे उसके अंदर जो statement होता है वो statement execute होता है तब कब जब लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू मैच नहीं करता यूजर का, तो तब जो स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं उस स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, डिफॉल्ट केस के अंदर। और डिफॉल्ट केस जबकि हमारा लास्ट स्टेटमेंट है स्विच केस का, तो वहां पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वही लिखा है, देखो, The default case can be used for performing a task when none of the cases is true. तो default case हम कब यूज करते हैं, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब कोई भी केस ट्रू नहीं होगा, जब कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यू ट्रू नहीं होगा तब हम एग्जीक्यूट करते हैं उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमने डिफॉल्ट केस के अंदर डिफाइन किया है। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने जाना कि स्विच के स्टेटमेंट क्या है, स्विच के स्टेटमेंट का सिंटेक्स हमने देखा, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका रूल क्या है यूज करने का, उसके बारे में हमने जाना। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ज्यादा आसान तरीके से इसको समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है, राइट ए कोड फॉर ए जीवाई एप्लीकेशन यूजिंग नेटबीन्स आईडीई टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इनपुट नंबर। ओके, तो सपोज एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो सपोज फर्स्ट डे के हिसाब से हम लेते हैं संडे को और लास्ट डे के हिसाब से लेते हैं हम सैटरडे को। ओके, तो फर्स्ट अगर यूजर नंबर 1 इनपुट करे तो यूजर को दिखाए संडे, अगर यूजर नंबर 1 इनपुट करता है तो यूजर को दिखाए संडे, नंबर 2 इनपुट करे यूजर को दिखाए मंडे, नंबर 3 इनपुट करे यूजर को दिखाए ट्यूजडे। तो ऐसा एक एप्लीकेशन हमें डिजाइन करना है जहाँ पे यूजर वहां पे क्या करेगा, नंबर इनपुट करेगा और उसको मिलेगा क्या, उसको मिलेगा डे का नाम। इस तरह का एक जीयूआई एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है या फिर एक जीयूआई एप्लीकेशन ऐसा एक हमें डिजाइन करना है। ओके, तो चलिए इसके लिए पहले हम ओपन करते हैं नेटबीन्स आईडीई को। तो नेटबीन्स आईडीई यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो नेटबीन्स आईडीई ओपन होने के बाद वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक फॉर्म, वहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं हम, जिसका नाम मैंने वहाँ पे दे दिया है example 1। ओके, हमारा जे फ्रेम फॉर्म वहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके अंदर अभी हम शुरू करेंगे डिजाइनिंग शुरू। तो पहले एक लेबल लेना है, मतलब जो यूजर को नंबर इनपुट करने के लिए एक लेबल देना है और उसके साइड में एक टेक्स्ट फील्ड देना है जिस टेक्स्ट फील्ड में यूजर नंबर इनपुट करेगा। वहां पे यूज करेंगे फिर एक बटन, जिस बटन में यूजर क्लिक करेगा तो उसको दिखाएगा जो नंबर इनपुट किया है वीक का, उस पर्टिकुलर नंबर में कौन सा डे आता है, उस डे का नाम। ओके, डे का नाम दिखाने के लिए एक लेबल बॉक्स और फिर एक टेक्स्ट फील्ड। ओके, रेडी, अभी नेमिंग कर लेते हैं इसका। ओके, रेडी, तो अभी नेमिंग कर लेते हैं इसको। पहले जे लेबल, यहाँ पे यूजर को हम अलाउ करेंगे नंबर एंटर करने के लिए, तो एंटर नंबर ऑफ द डे। ओके, और उसके बाद दूसरा लेबल बटन में हम क्या दिखाएंगे, डे नेम दिखाएंगे, तो डे नेम। जो नंबर यूजर इनपुट करेगा यूजर को हम अलाउ करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर में कौन सा दिन आता है हमारे वीक का, उसको हमें दिखाना है हमारे यूजर। ओके। बटन, बटन हम यूज करेंगे क्यों? रिजल्ट दिखाने के लिए, तो इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट। ओके, तो अभी हमें कोडिंग ऐड करना है, तो रिजल्ट पे डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने के बाद यूजर से हमें नंबर लेना है, तो यूजर से नंबर जो लेंगे उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं हमें, जो जबकि डे का नंबर लेना है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया सपोज डी। ओके, तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड को। ओके, और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, कौन सा टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करेगा, कौन सा टेक्स्ट फील्ड हमने लिया है यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड हमारा है जे टेक्स्ट फील्ड 1, तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो इनपुट करेगा जे टेक्स्ट फील्ड 1 में। ओके, तो यहाँ पे हम दे देते हैं जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट जे टेक्स्ट फील्ड 1 में जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हमें रिटर्न करना है। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए कोई भी टेक्स्ट फील्ड से हम यूज करते हैं किस मेथड को? गेट टेक्स्ट मेथड को। ओके, तो वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को स्टोर करेगा वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके परसेंट मेथड के द्वारा डी वेरिएबल में। उसके बाद हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को, और हम वेरिएबल को लेंगे इसके अंदर। वेरिएबल हमने लिया डी, तो डी वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है? इंट। तो यहाँ पे हम जितने भी केस स्टेटमेंट ऐड करेंगे सबका वैल्यू का डाटा टाइप भी होना चाहिए। क्या? सबका वैल्यू का डाटा टाइप भी होना चाहिए वही इंट। फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं 1। अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो वहां पे यूजर को कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? जे टेक्स्ट फील्ड 2 में हम दिखाएंगे, तो जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट जे टेक्स्ट फील्ड 2 में हमें क्या वैल्यू सेट करना है? अगर यूजर 1 वैल्यू इनपुट करता है तो फर्स्ट डे हमारा क्या होता है? संडे। तो यूजर को दिखाएगा वहां पे डे नेम में संडे। ओके, सेकंड टेक्स्ट फील्ड में हमारा वैल्यू क्या दिखाएगा वहां पे? संडे। अगर यूजर का वैल्यू मैच हो गया तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया। अभी ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, तो वहीं पे ही हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर आके जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो अभी हम दूसरा केस देंगे। दूसरा केस में हम वैल्यू यहाँ पे देते हैं 2। ओके, तो वहां पे अगर यूजर वैल्यू 2 इनपुट करता है तो वहां पे हमें वैल्यू क्या सेट करना है? वैल्यू वहां पे हमें सेट करना है मंडे, कि यूजर को दिखाए वो मंडे। ओके, और अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके यहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद और एक केस का वैल्यू देंगे ऐसे 3। अगर यूजर 3 वैल्यू इनपुट करता है तो वहां पे हम दिखाएंगे उसको क्या क्या सेट करेंगे वहां पे? वैल्यू ट्यूसडे। और उसके बाद यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद और एक केस देंगे, केस वैल्यू देंगे कितना? 4। और अगर वैल्यू यूजर 4 इनपुट करता है तो वहां पे क्या वैल्यू सेट करेंगे हम? वेडनेसडे। ओके, उसके बाद लेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद और एक केस वैल्यू लेंगे, केस 5। अगर यूजर वैल्यू इनपुट करता है 5 तो वहां पे क्या वैल्यू सेट करेंगे हम हमारे टेक्स्ट फील्ड में? थर्सडे। उसके बाद यूज करेंगे इस केस में ब्रेक स्टेटमेंट को। उसके बाद और एक केस वैल्यू लेंगे 6। अगर यूजर इनपुट करता है वैल्यू 6 तो यूजर को हम क्या दिखाएंगे टेक्स्ट फील्ड में? वहां पे क्या वैल्यू हमें सेट करना है? फ्राइडे। और उसके बाद यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। और एक केस वैल्यू है 7। अगर यूजर 7 इनपुट करता है टेक्स्ट फील्ड में तो वहां पे हम वैल्यू क्या सेट करेंगे? वहां पे हम वैल्यू सेट करेंगे सैटरडे। ओके, और उसके बाद यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। अगर यूजर ये 7 वैल्यू इनपुट करता है तो 7 डेज दिखाएगा। अगर यूजर ये 7 नंबर के अलावा कुछ दूसरा नंबर अगर इनपुट करता है तो वहां पे डिफॉल्ट केस के अंदर हम जो स्टेटमेंट रखेंगे उसी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। अगर कोई यूजर 1 से 7 के अंदर वैल्यू अगर इनपुट नहीं करता, कोई दूसरा नंबर इनपुट करता है, तो वहां पे हमारे टेक्स्ट फील्ड में दिखाएगा कि एंटर करो नंबर 1 से 7 के अंदर। और यहाँ पे हमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट का, और यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट को क्लोज कर लिया। ओके, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। रन फाइल। ओके, तो यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 1, तो देखते हैं संडे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है संडे। यहाँ पे इनपुट करते हैं 2, दिखा रहा है मंडे। 3, ट्यूसडे। 4, वेडनेसडे। 5, थर्सडे। 6, फ्राइडे। 7, सैटरडे। और उसके अलावा और कुछ नंबर अगर हम इनपुट करेंगे तो क्या दिखाएगा, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। बता दे रहा है कि 1 से 7 के अंदर नंबर इनपुट करो, तब जाके दिखाएगा डे का नाम। समझ आ गया कि कैसे हम स्विच स्टेटमेंट यूज करके एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जहां पे यूजर नंबर इनपुट करे और उस पर्टिकुलर वीक में उस नंबर में कौन सा दिन आता है वो दिन या फिर वो डे का नाम दिखा दे हमारा एप्लीकेशन। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि स्विच के स्टेटमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम कैसे एक सिंपल जीवाई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा स्विच के स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच के स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स देखा, उसको हमने प्रैक्टिकली किया भी और उसको समझा भी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।